बोले कि हम अगला मार्च तक जो है इसको पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे मार्च तक जो है हो जाए। एर्नाकुलम को विशाखापट्टनम और चेन्नई के लिए लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, और हमने जीएम साहब को कहे कि एर्नाकुलम के चलते एर्नाकुलम विशाखापट्टनम, तो उन्होंने बोला उस पार्ट को देखेंगे। काफ़ी लोग विशाखापट्टनम से टाटा जुड़ा हुआ है, और हम लोग चाहेंगे कोई ना कोई ट्रेन उसमें हम लोग दें, ताकि जो पढ़ने जाते हैं, जो अपने रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ टाटा में भी बसे हैं विशाखापट्टनम से, और आए दिन विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ, इसलिए जरूर कोई ना कोई ट्रेन उसमें हम लोग चलाने के लिए रेल से बात करेंगे, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, और DRM साहब के संज्ञान में आया, GM साहब के संज्ञान में आया, तो कोई उपाय जरूर उसमें विशाखापट्टनम के लिए हम लोग करेंगे। इसके अलावा चकुलिया बहरागुड़ा बुढ़ामरा का जो सीन है वो बोला स्वीकृत है, लेकिन सवाल है उड़ीसा गवर्नमेंट ने NOC देने की बात कही, झारखंड सरकार अगर शुरू दे रही है NOC तो चकुलिया बहरागुड़ा बुढ़ामरा उड़ीसा जो है ये शुरू है। अच्छा, हमारे टाटा से जो हल्दी पोखर हो गए बादाम पहाड़ है तो डबल लाइन के लोग प्रयास करें, बट आज़ादी के बाद से उसके इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, और जिस स्पीड में रेल विभाग काम कर रही है वो बहुत जल्द जो है इसका पूरा कर लेंगे, और साथ साथ हल्दी पोखर जो फंड था उसको भी जीर्णोद्धार शुरू हुआ, वो भी बहुत जल्द हल्दी पोखर स्टेशन ठीक होगा। इसके साथ टाटा जयपुर का भी हम लोग ने बात की है, टाटा जयनगर का बात हुआ, और उन्होंने कहा कि सारे बात हम जो वहाँ पर बोर्ड के साथ बात करके इसको आगे कार्रवाई करेंगे, और हम लोगों के भी सेशन में जाकर रेल से संबंधित जितना भी दिक्कत है ये सब संबंधित मंत्री जी से और वहाँ के चेयरमैन साहब से अवगत करा के जल्द से जल्द यहाँ का जो समस्या है वर्षों का इसका पूरा कर सकें, तो उसका हम चेन्नई से आपका माफ कीजिए ये आपका गुवाहाटी से संपर्क नहीं है,